Hello students, today we are going to learn ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials are those which are strongly attracted by magnet. अगर हमने ferromagnetic material को magnet के पास रखा तो ये strongly attract होगा magnet की तरफ and can be magnetized and retain magnetism even when external magnetic field has been removed. ये easily magnetize होगा, साथ में ये magnetism को retain करेगा, अपने साथ ही रखेगा, अपने पास ही retain करेगा. अगर हमने उस पर कोई external magnetic field रखा तब ये magnetize भी होगा और वो retain करेगा that magnetic field. और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव करने के बाद भी इट विल शो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिज्म. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड रिटेन मैग्नेटिज्म इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड. इन एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, देन ईच एटम हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा ड्यू टू अनकम्पनसिएटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन. यहाँ पे अनकम्पनसिएटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट शो करेगा. दीज आर रीजन्स ऑफ मिनी एटम विच अलाइन डायपोल मूवमेंट, इसे हम डोमेन्स बोलते हैं, एटोमिक डोमेन्स बोलते. इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन्स कैसा है, रैंडमली ओरिएंटेड है, सो दैट द नेट मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन कैसा रहेगा, जीरो. In the absence of an applied external magnetic field, each atom has very strong magnetic dipole moment due to uncompensated electron spins. There are regions of many atoms which align dipole movement called domains. In the absence of an applied magnetic field, the domains are randomly oriented so that the net macroscopic magnetization is zero. इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन अलाइन देमसेल्फ विद द अप्लाइड फील्ड. ये जो डोमेन रहेगा, एटोमिक डोमेन, अपने आप को अलाइन करेगा इन द अप्लाइड फील्ड. द स्पिन इंट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई इज पॉजिटिव एंड हाई. यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंड हाई रहेगा. जो एक्स का जो सिम्बॉल है दैट इज सी एच आई, चाई बोलते हैं, एंड दैट इज सिम्बॉल ऑफ magnetic susceptibility. The susceptibility of the ferromagnetic substance decreases with increase in temperature. यहाँ पे कैसा है, magnetic susceptibility of ferromagnetic material का कैसा होगा, decrease होगा जैसे जैसे temperature बढ़ेगा. The relative permeability mu r of the ferromagnetic material is very high. यहाँ पे जो relative permeability है वहाँ यहाँ पे very high है. Examples of ferromagnetic materials are iron, nickel, cobalt, etc. are examples of ferromagnetic materials. Thank you.